हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलपमेंट ट्यूटर.com। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स। क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, कैसे आप किसी भी स्टेट वायर का, इनफाइनाइट स्टेट वायर का, सेमी फाइनाइट का, सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड से आप कैसे सम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो कंडक्टर दिए होंगे आपके पास और दोनों में करंट होगा, तो उनके बीच में फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। सो इस सब के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये हम HSC जो महाराष्ट्र बोर्ड का है वो उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर का बात कर रहा हूँ, जो हमारे हैंड में क्वेश्चन पेपर्स हैं। सो ये लाइकली कि आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में हैं सारे एक जगह हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये मैं एक एक करके सारा बात करता हूँ इसके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इफ द करंट इज डायरेक्टेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज। कह रहा है यदि हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो ये राइट हैंड निकालिए और इसको इस तरह से, तो हमारा जो थंब आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो क्या होगा आंसर इसका, इसका आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड आउटवर्ड्स डायरेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, ए कंडक्टर हैज 3 सेगमेंट्स, 3 सेगमेंट में दिया हुआ है इस तरह से। अब ये ध्यान दीजिए, ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है और ये तीसरा सेगमेंट है। ये हमारा रेडियस आर है, जो ये सेमी फाइनाइट रॉड है और उसके द्वारा मुझे इस रॉड के सामने बोल रहा है फाइंड करने के लिए, मीन्स रॉड के लाइन पे ही ये पॉइंट रखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यदि कोई भी पॉइंट उस रॉड के लाइन पे ही हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। इसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो और इस लाइन के द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो बचा क्या, ये 1, 2 और ये 3। 1 और 3 के द्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ये दोनों ही सेमी फाइनाइट स्टेट वायर है, सिर्फ बचा है क्या मेरा सेमी सर्कुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड μ0I/4R, सेमी सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है, μ0I/4R। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, देन द इलेक्ट्रॉन मूव्स, रिमेन स्टेशनरी रहेगा क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो ये क्या होगा, रिमेन स्टेशनरी रहेगा। आंसर होगा रिमेन स्टेशनरी। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज F, इफ द करंट इन ईच कंडक्टर इज डबल देन द फोर्स बिटवीन। देखिए ये फोर्स होता है हमारा μ0I1/I2 × L / 2πd। अब उन्होंने बोला है जो I1 = I2 = I है, तो फोर्स कितना होगा मेरा, μ0I2 × L / 2πd। अब सपोज मैं करंट को डबल कर दे रहा हूं तो एफ डैश कितना होगा, ये देखिए μ0 × 2I × L / 2πd। कितना हो गया ये, एफ डैश इज बिकम μ0 × 4I × L / 2πd। ये हमारा एफ डैश है। यदि मैं ये दोनों को डिवाइड करूं तो सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट कितना होगा, ये F' / F = F' कितना है हमारा, μ0 4I² × L / 2πd / μ0I² × L / 2πd। सो दिस इज μ0 4I² × L / 2πd × 2πd / μ0I² × L / 2πd। 2πd कैंसिल, μ0 कैंसिल, L कैंसिल, I² कैंसिल। इट मीन्स F' / F इज व्हाट, 4। सो न्यू फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, 4 टाइम्स ऑफ F। न्यू फोर्स क्या होगा मेरा, 4 टाइम्स ऑफ F। और आपको याद रखना है, जब दो कंडक्टर के बीच में करंट हो, दोनों पैरेलल हो, तो ये फोर्स का फॉर्मूला होता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यूनिट है वो ये नहीं है, और स्टेट क्या है हमारा, ये हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है यूनिट। द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप इज इंडिपेंडेंट। अब देखिए ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है हमारा आई इंटू ए, तो करंट पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है, और इसी चीज को यदि नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहेगा तो एन आई ए लिखते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ लूप पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, लेकिन किस पे नहीं करेगा, तो इस पे नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट इज लाइंग, इस पे क्या करता है, नहीं डिपेंड करता है हमारा। 7 क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, कह रहा है सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर दिया हुआ है मेरा कितना 0.0157 मीटर, करंट दिया हुआ है हमारे पास 2 एम्पियर, और कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप जो होता है वो होता है μ0I/2 टाइम्स ऑफ आर। सो μ0 का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷, करंट हमारे पास 2 एम्पियर डिवाइड बाय आर, सो 2 × 0.0157। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 4π × 10⁻⁷ × 2 × 10⁴ डिवाइड बाय 2 × 157। सो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3.14 × 10⁻⁻3 × 2 डिवाइड बाय 2 × 1.57 × 10⁻2। नाउ दिस 2 and 2 got cancelled. It becomes 8 × 10⁻⁻5. 8 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था। बस आपको याद क्या रखना है इसमें, जो 2 पैरेलल कंडक्टर यदि है और दोनों में करंट दौड़ रहा है तो फोर्स कितना होगा, μ0I1I2 × L/2πD। यदि कोई सर्कुलर वायर है उसमें कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, μ0I/2R होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। अब ये जो लॉरेंज फोर्स है ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू होता है Q × V क्रॉस B। सो दैट इज नेट फोर्स इज बिकम QE + Q टाइम्स ऑफ वेक्टर V क्रॉस B। ये क्या है हमारा नेट फोर्स है, इसको बोलते हैं हम लोग लॉरेंज फोर्स। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सोलिनॉइड किसको बोलेंगे, तो सोलिनॉइड हम उसको बोलते हैं जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है और उस पे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सोलिनॉइड। टोरॉइड और सोलिनॉइड में ये डिफरेंस है, टोरॉइड हमारा सर्कुलर होता है, बीच में हमारा होल रहता है, होलो रहता है और चारों तरफ से नंबर ऑफ टर्न से घिरे रहते हैं, उसको बोलते हैं टोरॉइड। फोर्थ क्वेश्चन देखिए कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो मुझे d दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, दैट इज व्हाट 2 × 10⁻⁻2 मीटर, और हमें क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, और मुझे कह रहा है जो वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जब भी आपको वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिखा रहेगा दिस मीन्स इनफाइनाइट रॉड के बारे में बात कर रहा है, और वो कितना होता है हमारा B = μ0I/2π × d। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4π × 10⁻⁻7 इंटू करंट डिवाइड बाई 2π × 2 × 10⁻⁻2। सो दिस इज 2, तो 5 × 2 10 × 10 डिवाइड बाई 2 × 10⁻⁵। सो दैट इज व्हाट 5 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, करंट आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल इफ वी डबल द रेडियस ऑफ द कॉइल कीपिंग द करंट अनचेंज्ड। अब कह रहा है ये हमारा कोई सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट I दौड़ रहा है और रेडियस R है, लेकिन मैं इस रेडियस को डबल कर दूं तो कितना होगा। तो याद क्या रखना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल कितना होता है, तो μ0I/2R होता है। कितना होता है ये, μ0I/2R। अब जो B डैश है जब डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, μ0I/2 × 2R। So that is what B dash is become mu naught I upon 4R. So this is the second and this is the first. When I am dividing this second divided by first, what will happen? This B dash upon B is equal to mu naught I divided by 4R divided by mu naught I upon 2R. तो कितना हो जाएगा ये mu naught I upon 4R into 2R divided by mu naught times of I. So this and this got cancelled. R R cancel, that is 1/2. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया मेरा? हाफ हो जाएगा. कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? आधा हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ, सोलेनॉइड का लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 50 सेंटीमीटर. और कह रहे हैं इनर रेडियस दिया हुआ है एंड मेड ऑफ एंड नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 500. करंट दिया हुआ है हमारे पास 5 एम्पियर. कह रहे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड निकालने के लिए 6 क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे. बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन इंटू आई, दैट इज वॉट म्यू नॉट इंटू एन अपॉन पर यूनिट लेंथ इंटू आई. म्यू नॉट होता है हमारा 4 pi into 10⁻⁻⁷ नंबर ऑफ टर्न्स हमारा है 500 इंटू करंट हमारे पास है 5 एम्पियर डिवाइड बाय लेंथ. लेंथ हमारा है 50 into 10⁻². जब आप इसका कैलकुलेशन करिएगा तो आंसर आएगा कितना, ये देखिए दिस 0 and 0 गॉट कैंसिल. 5 10 जा सो 10 यहाँ पे दे देता हूँ और 4 pi into 5 into 10⁻⁷ into 10 का 1 into 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 pi into 5 into 10⁻⁴ ये हो गया 20 pi into 10⁻⁴. दिस इज 2 pi into 10⁻⁻3 एंड दिस इज 6.28 into 10⁻⁻3. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर में. ये हमारा सोलेनॉइड का था. 7 क्वेश्चन कर रहा है स्टेट द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड व्हिच पॉसेस मैक्सिमम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो जब दोनों एंटी पैरेलल रहेंगे 180 डिग्री पे रहेंगे तो क्या होगा? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा. अब क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 2 मार्क्स का जो आपको आएंगे. कह रहा है टोराइड ऑफ 4000 टर्न्स हैज आउटर रेडियस ऑफ 26 सेंटीमीटर, इनर रेडियस इज 25 सेंटीमीटर. इफ द करंट इज, अब टोराइड का भी होता है यही म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन इंटू आई डिवाइड बाय म्यू नॉट इंटू एन. सो एन होता है हमारा कैपिटल एन डिवाइड बाय 2 पाई आर. कितना होता है? कैपिटल एन डिवाइड बाय 2 पाई आर. तो ये जो 2 पाई हम आर लेंगे मीन, क्या लेंगे? मीन आर. तो आर मीन हमारा क्या होगा? तो R1 + R2 डिवाइड बाय 2. R1 कितना है हमारे पास? 0.26. R2 कितना है हमारे पास? 0.25. दोनों को ऐड करिए और 2 पाई से मल्टीप्लाई. सो 2 पाई इंटू R1 + R2 0.26 + 0.25 डिवाइड बाई 2. 2 से 2 कैंसिल. सो पाई इंटू 0.51. अब इस वैल्यू को वहां पे रख देंगे. सो म्यू नॉट इंटू n इंटू आई डिवाइड बाई 2 पाई आर. तो 2 पाई आर तो हमने निकाला है. सो म्यू नॉट हो गया 4 पाई into 10⁻⁻7. नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं यहाँ पे? तो 4000 टर्न्स है. सो आई कैन राइट 4000 इंटू करेंट कितना है हमारे पास? तो करेंट है हमारे पास 10 एम्पियर डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर मीन. सो 2 पाई इंटू आर मीन कितना हो जाएगा मेरा? सो दिस इज द पाई इंटू 0.51. अब ये पाई से पाई कैंसिल. जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 3.137 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला. ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1. जब शॉर्ट आंसर जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी इंटायरली कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ ए टोराइड बट नॉट विद इन द स्टेट सोलेनॉइड. वाई? बिकॉज जो आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए टोराइड क्या होता है? 0. इसके लिए नहीं रहता वहां पे. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, थर्ड कह रहा है ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ पाई मीटर. लेंथ कितना दिया हुआ है तुम्हारा? पाई मीटर दिया हुआ है. और कह रहा है 1000 नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 1000. और ये जो डायमीटर दिया है जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, देयर इज नो यूज ऑफ डायमीटर. करंट इक्वल टू हमारा 5 एम्पियर है और हमें लेंथ दिया हुआ है. ओके सो अगेन सोलेनोइड पूछा हुआ है तो क्या करेंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन इंटू आई, ये याद रखना है आपको हमेशा। और स्मॉल एन जो होता है वो होता है सोलेनोइड के केस में कैपिटल एन पर यूनिट लेंथ, जबकि टोरॉइड में एन अपॉन 2 पाई इंटू आर होता है। अब देखिए यहाँ पे म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन पर यूनिट लेंथ इंटू आई, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ कैपिटल एन कितना है 1000 और आई कितना है 5 डिवाइड बाय एल कितना है पाई, पाई गॉट कैंसिल, सो 4 इंटू 1000 इंटू 5 इंटू 10⁻⁷ कितना हो गया ये 4 इंटू 5 20 इंटू 10⁻⁻4, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो ये हमारा आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड पास थ्रू 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स। तो दोनों में ही हमारा करंट क्या है इक्वल मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी आई और यहाँ पे भी आई है। हैविंग ए सेपरेशन कितना है हमारा 1.35 सेंटीमीटर और फोर्स पर यूनिट लेंथ, सो फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई स्क्वायर इंटू आई, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी, राइट। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है हमारे पास कितना, तो ये दिया हुआ है 4.76 इंटू 10⁻-2 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻-7 आई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू पाई इंटू डी, डी कितना होगा हमारा 1.35 इंटू 10⁻-2, सो 2 पाई से 2 गॉट कैंसिल, 4.76 इंटू 10⁻-2 इज इक्वल टू 2 आई स्क्वायर इंटू 10⁻-7 डिवाइड बाय 1.35 इंटू 10⁻-2, सो यहाँ से हमारा 4.76 इंटू 10⁻-2 इंटू 1.35 इंटू 10⁻-2 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू आई स्क्वायर। और इसका जब रूट ले लेंगे तो क्या होगा ये इंटायर थिंग्स 4.76 इंटू 10⁻-2 इंटू 1.35 इंटू 10⁻-2 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁷। आंसर आएगा हमारा 56.68। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मैग्नेटिक फोर्स नेवर डज एनी वर्क। तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू V क्रॉस B। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू B। सो यदि ये परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फोर्स किसका भी परपेंडिकुलर होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। सो मैग्नेटिक फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा हमारा 0, क्योंकि ये 90 डिग्री पे रहता है दोनों, तो यहाँ पे इसके लिए कोई वर्क डन नहीं होगा। स्टेट द कंडीशन व्हेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल कैरिंग करंट कॉइल कैप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम एंड मैक्सिमम। जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में होगा तो मिनिमम, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो मैक्सिमम। सो पैरेलल के केस में मिनिमम होगा और एंटी पैरेलल के केस में मैक्सिमम होगा। Derive the expression of magnetic field produced by current in circular arc of wire। सर्कुलर आर्क ऑफ वायर में कितना होगा हमारा, तो ये हमारा सर्कुलर आर्क है और यहाँ के सेंटर पे यदि है तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R होगा। और यदि एक्सिस पे पूछा जाए, फॉर एक्सिस पे पूछा जाए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पे पावर 3/2, ये हमारा एक्सिस पे होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट द वर्किंग ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर हमारा 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो कि हमारा पिवोटेड टाइप का रहेगा और सस्पेंडेड टाइप का रहेगा। यहाँ पे जो सबसे मेन चीज आपको लिखना है वो लिखना है टॉर्क इक्वल टू होता है हमारा NIAB साइन थीटा, व्हेन थीटा इज बिकम 90 डिग्री टॉर्क इज मैक्सिमम, और कितना होता है ये NIA इंटू B होता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा K इंटू फाई इक्वल टू NI इंटू A इंटू B। फाई इज द हमारा डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है यहाँ से। अब इसके बेस्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, नहीं क्वेश्चन नहीं है हमारा, एक्सप्लेन बायोट-सेवरेट लॉ। तो बायोट-सेवरेट लॉ होता है डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, dB is directly proportional to sine theta and dB is inversely proportional to 1 upon r square. First, second, third, fourth. यदि combine to all, combine first, second, third and fourth, we get dB is directly proportional to I dl sine theta upon r square, and this dB is equal to नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और इसी को हम लोग बायोट-सेवरेट लॉ बोलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कह रहा है रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 10 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स हमें 10 दिया हुआ है, एरिया हमें 0.05 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है एंड इज सस्पेंडेड फ्रीली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। तो बी दिया हुआ है हमारे पास 0.01 टेस्ला एंड करंट हमारे पास दिया हुआ है 30 × 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर इज पास थ्रू। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल? सो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू होता है I × A और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है तो Ni × A। N कितना है 10, I कितना है 30 × 10⁻⁶, एरिया कितना है 0.05। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.05 है, सॉरी 0.05, सो 100। सो दिस 0 एंड 0 गॉट कैंसिल, इज 15 × 10⁻⁶, दैट इज व्हाट 15 माइक्रो एम्पियर। कितना हो जाएगा ये 15 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क। तो टॉर्क को कुछ नहीं करना है, N I A B। तो अब देखिए I × A तो हमने निकाला ही है और 10 से मल्टीप्लाई N I A हमने निकाला है कितना 15। सो आई कैन राइट 15 × 10⁻⁶। और हमें B दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 0.01। अब यहाँ से 100 हो जाएगा ये और ये हो गया हमारा 15 × 10⁻⁸ कितना हो गया ये 15 ×, आई कैन राइट 1.5 × 10⁻⁷। ये हमारा हो गया टॉर्क न्यूटन मीटर। कितना हो गया टॉर्क न्यूटन मीटर। अब क्वेश्चन कह रहे हैं हमारे पास सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 9.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस दिया हुआ है कितना हमारा 9.7 सेंटीमीटर और कह रहा है कैरीज ए करंट I कितना दिया हुआ है हमारे पास 2.3 एम्पियर। ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो μ0 B = μ0 I/2 टाइम्स ऑफ R। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू I कितना है 2.3 डिवाइड बाई 2 × 9.7 × 10⁻²। यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा 14.9 माइक्रो टेस्ला। अब सेकेंड कह रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 9.7, तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 9.7 का हो जाएगा μ0 / 4 पाई × 2 पाई I r² डिवाइड बाय r² प्लस r और r दोनों सेम ही है तो मैं लिख देता हूँ r² + r² पावर 3/2। ये हो जाएगा μ0 / 4 पाई × 2 पाई I r² डिवाइड बाय √2। सो √2r² × 3/2। तो ये हो गया हमारा μ0 / 4 पाई × 2 पाई I r² डिवाइड बाय √2r³। सो दैट इज व्हाट 2√2r³। सो दिस इज μ0 × 2 पाई I डिवाइड बाय 4 पाई × 2√2r। अब देखिए ये 2 पाई से 2 कैंसिल, दैट इज व्हाट μ0 I/4√2r। आपको सारा वैल्यू दिया हुआ है और इसको पुट करिए 4 पाई × 10⁻⁷ करंट कितना है 2.3 और 4√2 इंटू रेडियस है 9.7 × 10⁻2 जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। आंसर कितना है हमारे पास, तो आंसर है 5.267 माइक्रो टेस्ला। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12.3 सेंटीमीटर इज दिस, व्हाट विल द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। तो आपको क्या करना है, यहां से मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप पूछा है, तो m होता है i × a, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो b आप लिखिए μ0 i/2r। ये हमेशा होता है हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। और ये कितना दिया हुआ है, तो 6.4 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू करेंट। करेंट कितना दिया हुआ है, देर इज नो करेंट, इज डिवाइड बाई 2 × r। सो r कितना दिया हुआ है 2 × 12.3 × 10⁻⁸ सो 6.4 × 10⁻⁶ इंटू 2 × 12.3 × 10⁻⁸ इज इक्वल टू 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू आई। सो हाउ मच दिस आई, आई इज बिकम 6.4 × 10⁻⁶ इंटू 2 × 12.3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय 4 पाई × 10⁻⁷ इज इक्वल टू आई। ये हमारा क्या आ गया, तो करंट आ जाएगा यहाँ से, और कितना आएगा, तो ये देखिए 6.4 × 12.3 × 2 × 10⁻⁸ प्लस 7 डिवाइड बाई 4 पाई। तो ये हो जाएगा हमारा 6.4 × 12.3 × 2 डिवाइड बाई 4 पाई × 10। सो पाई से ये चला गया तो 4 और ये हो जाएगा 4 ऑल्सो गॉट कैंसिल। So 6.4 × 2 divided by 10. So that is what 12.8 divided by 10. ये हमारा करंट। और अब मुझे क्या लिखना है, i × a, एरिया होता है मेरा πr²। सो 3.14 × r कितना है हमारे पास, तो रेडियस दिया हुआ है हमारा 12.3 × 10⁻² का होल स्क्वायर इंटू 12.8 डिवाइड बाई 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 5.94 × 10⁻2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, कर रहा है कि सो दैट द करंट इन टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर पैरेलल वायर एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन ईच अदर। दो वायर है हमारे पास इस तरह से, एक हमारा I1 करंट है, दूसरे में हमारा करंट I2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा d है, और ये हमने स्मॉल लेंथ l लिया हुआ है। तो अब जो फोर्स होता है वो होता है B × I × L। तो इस वायर के कारण यहाँ पे कितना B होगा, वो देखिए μ0 I1 डिवाइड बाई 2 पाई d इंटू इसका I2 × L। तो क्या हो गया ये फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू μ0 I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई d। और इसी फोर्स अपॉन पर यूनिट लेंथ को हम लिख सकते हैं μ0 I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई d। ये हमारा फोर्स आ गया। और ये जो यूजिंग बायोटसावर्ट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बोला है, जो इसका आप कितना होगा, तो ये देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0 I डिवाइड बाई 4 पाई d sin α1 प्लस sin α2। ये इस तरह से एक रॉड है, इस पॉइंट पे मैं निकालना चाह रहा हूँ, और यहाँ से इसका ये एंगल हमारा α1, ये हमारा α2। नाउ दिस फॉर इनफाइनाइट रॉड α1 इज इक्वल टू π/2, α2 इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए μ0 I/4 पाई d साइन π/2 प्लस साइन π/2। कितना हो गया ये साइन 90 प्लस साइन 92। सो दिस B = μ0 I/4 पाई d दैट इज वॉट 2। सो 2 से 2 कैंसिल, दैट इज वॉट B = μ0 I/2 पाई d। B = कितना हो जाएगा मेरा μ0 I/2 पाई d। दिस इज द आंसर। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन सर्कुलर लूप, तो उसके लिए भी आपको जो पहले हमने फॉर्मूला लगाया था सेम करना है। सो ऑलमोस्ट आई हैव ट्राइड ऑल द सम्स, सो प्लीज गो थ्रू दिस। जहाँ पे कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, सो दैट कि हम आपको रेक्टिफाई करके और बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।